नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर शहर में दुर्गा विसर्जन के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल झांकी की रैली आयोजित हुई, जिसमें बिलासपुर शहर के समस्त दुर्गा उत्सव समितियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस झांकी की विशेषता है कि पूरे शहर में जहां भी देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, वह पूरे शहर का भ्रमण कर जूना बिलासपुर के पचरे घाट में विसर्जित की जाती है। इस महापर्व के उपलक्ष्य में अनेक समाज एवं संस्थान, राजनीतिक दल द्वारा मंच बनाकर सभी समितियों का सत्कार एवं सम्मान किया गया। आपको बता दें कि बिलासपुर शहर अपने दुर्गा विसर्जन रैली के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। वैसे ही भव्य स्टेज लगे थे माता रानी के विसर्जन के लिए, और आचार संहिता के दौरान प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है, जो कि बिलासपुर के लिए पहली बार ऐसा देखा गया है कि आचार संहिता में माता रानी के झांकी को रोका गया है। डीजे को टोल नाके में ही रोका गया है, छोटे छोटे डीजे को भी जब्त किया गया है। समिति में बहुत ही आक्रोश है, और जितने भी श्रद्धालु आए हैं, बाहर बाहर से श्रद्धालु बिलासपुर आते हैं दुर्गा झांकी देखने के लिए, उनके भी मन में कहीं ना कहीं ठेस पहुंची कि बिलासपुर में पहली बार कांग्रेस के शासन में जो देख रहे हैं आप माता रानी का भव्य विसर्जन निकलता है, वो नहीं निकल पाया है। और वाले माता रानी को ढक कर लेके जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए, उनके मन में बहुत ही पीड़ा है, आक्रोश है। पहले भी आचार संहिता लगते थे, लेकिन माता रानी का विसर्जन कभी रोका नहीं गया है। हम लगातार 5 साल से माता रानी का भव्य स्टेज लगाकर यहाँ पे सभी को इनाम पुरस्कृत करते हैं, सभी समिति का हौसला अफजाई करते हैं।